नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों जो हैं वो सीयूटी यूजी का एग्जाम और पीजी का एग्जाम देने के बाद बीएचयू में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अब आपको बेहद जरूरी है जानना कि रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं रहोगे, अवेयर नहीं रहोगे, कोई चीज आपसे मिस हो गया तो आपका एडमिशन भी रुक सकता है, एडमिशन होते होते नहीं हो सकता है। सो बेसिकली ये वीडियो आपको इसलिए देखना है जिससे आपको आगे का प्रोसीजर पता चल सके, आगे की स्टेप्स जो है वो आपको पता चल सके। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टाइम अपडेट मिलता रहे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इसी चैनल पे आपको बीएचयू और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल कटआप वीडियोज मिलेंगे, यानी वो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, ये जितने भी राउंड वाइज कटआप आते हैं आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ कितने नंबर तक एडमिशन हो चुका है और कितने नंबर के एडमिशन की पॉसिबिलिटीज अभी है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के जो मेन मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेक्शन पे आ जाएंगे, जो भी आपके डिटेल्स है उसको हम लोग करेक्ट कर पाएंगे। अब आगे आपका जो प्रोसीजर है वो ऑफिस लेवल पे है, ठीक है, क्योंकि अब आपने जो भी चीजें करी है वो अपने लेवल पे करी, यानी अपना डेटा उनको दिया, आपने एग्जाम दिया, आंसर की मैच करा, अपना डेटा जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूनिवर्सिटी को दे दिया। ठीक है, अब ये जो पूरा डेटा है यूनिवर्सिटी के पास है, यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उसको कैटेगराइज करेगा, उसको अलग अलग काटेगा छाटेगा, जैसे कि बी एल एल बी का, बी ए का, बी कॉम का, बी एस सी मैथ, बायो एग्रीकल्चर, एम ए, एम एस सी, सबको अलग अलग करेगा और अलग अलग कमेटी मेंबर्स को सौंप देगा कि हाँ अब आप क्या बनाइए, अब वो लोग कट ऑफ बनाएंगे, क्योंकि आपकी मेरिट जो है ना वो बनानी है उनको, फिर कट ऑफ रिलीज करना है। तो बेसिकली वो लोग क्या करने लगेंगे, बच्चों को रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, जो भी सुपर मेसी सीटें होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो लोग बच्चों को डिसाइड करेंगे कि हाँ ये टॉप पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा जब पूरा रैंक एक रेडी हो जाएगा 1 to 1000 तक, तो उसके बाद वो लोग सीट के अकॉर्डिंग बाय द डेट रैंक के अकॉर्डिंग मेरिट के अकॉर्डिंग लिस्ट जारी करेंगे, यानी फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड कट ऑफ, फोर्थ राउंड कट ऑफ, और ये लिस्ट जैसे जैसे जारी होगा वैसे वैसे जो उनकी सीटें हैं वो फुल होती चली जाती हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि सर हमारा रैंक के अकॉर्डिंग हमारा जो सीट है वो हमें मिल रही है कि नहीं, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, तो आपको ध्यान देना है, मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो भाई बीएचयू में रैंक के अकॉर्डिंग जो राउंड्स हैं वो आने लगे हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो मैं बताता ही रहूंगा आपको। आपका ये चीज पता करने का जो आपके पास खुद का एक सोर्स है वो है आपका स्टूडेंट पोर्टल, यानी आपने जहां रजिस्ट्रेशन कराया वहां पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, जब मैं बताऊंगा कि हाँ भाई अब जाके चेक करो, तो आप जाके वहां जब चेक करोगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वहां पे कोर्स एलोकेशन एक डैश ऐड हो जाता है, एक आइकन ऐड हो जाता है, और वहां पे जैसे ही आप अपने कोर्स एलोकेशन को क्लिक करते हो पर्टिकुलर आप देखोगे कि हाँ वहां पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, और ये कोर्स आपको अलॉट किया जा रहा है, इस फैकल्टी में अलॉट किया जा रहा है, इतना पेमेंट करना है और लॉक करना है कि अपग्रेड करना है, फाइनली ये पूरे डिटेल्स के साथ आपका पूरा एक डैशबोर्ड पे एक पूरा आइकन नजर आने लगेगा। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना होता है, आपको उसके बाद पेमेंट करना होता है, ध्यान देना पेमेंट करना ही आपका एडमिशन हो जाता है, ये सबसे प्राइमरी चीज है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो और पेमेंट का डेडलाइन होता है जनरली 24 आवर्स ही आपको दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। ये वीडियो देखने के साथ साथ आप यहां पर इतना अवेयर हो जाओ कि आपके अकाउंट में थोड़े पैसे होने चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आपके अकाउंट में या आपके पास यूपीआई में चाहे आपके बैंक अकाउंट में, किसी का भी अकाउंट हो ध्यान देना, आपका पर्सनल है तो भी चलेगा, आपके पापा मम्मी भैया का भी हो तो भी चलेगा, उसमें बेसिकली 10,000, 15,000, 20,000 रुपए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ठीक है, जितने कोर्स की डिमांड है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, वो पेमेंट आप जैसे ही वहां पे ऑनलाइन करते हो, देखो ये बेसिकली सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, जैसे आप पेमेंट करते हो आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाता है, पेमेंट आईडी मिल जाता है, और ये पेमेंट आईडी जो है वो आपको सेव करके रख लेना। बेसिकली बच्चे पता क्या मिस करते हैं, साइबर वाले से पेमेंट करवा लेते हैं, साइबर वाला वो पेमेंट आईडी सेव ही नहीं करता है और वो मिस हो जाता है, बाद में उसके लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो बेसिकली वो पेमेंट आईडी आपको सेव करके रखना है, क्योंकि वही पेमेंट आईडी के साथ आपको बीएचयू आना है, बाद में जब आपको डेट दी जाएगी उस दिन आना है पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फाइनली उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट एक
कोटम पूर्ति है, ठीक है। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर कोई मिस भी रह जाता है तो उसके लिए आपको टाइम फर्दर देते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं अपडेट हो पाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे सकते हो। मतलब आपका एडमिशन का कोई भी कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट बेसिस पे नहीं है, ठीक है। मतलब आवेदन कोई बहुत बड़ी गलती कर दोगे डॉक्यूमेंट तब तो एक मतलब चांस बन सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हो तब अपना आईडी वगैरह बनवा के फाइनली बीएचयू के स्टूडेंट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा माइंड में ध्यान रखना है वो यही है कि आपको अपने पोर्टल को चेक करना है और जो कोर्स आया है अगर आपको कोर्स पसंद है तो आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि सर लॉक करें कि अपग्रेड करें। ध्यान देना, जनरली आप जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको जो अलॉटमेंट मिलता है तो आप हमेशा उसे अपग्रेड में डालो, लॉक मत करो। लॉक पता किस केस में करते हैं, जब आपको लगे कि हाँ भाई हम सेटिस्फाई हैं, हमें यही कोर्स चाहिए था, हमें इसी फैकल्टी में चाहिए था, तब ठीक है भाई आपको अगर सब्जेक्ट पसंद है तो लॉक कर दो। लॉक करने का भी प्रोसेस होता है, आपको एक ईमेल करना होता है, वो ईमेल जो राइटिंग होती है क्या लिखना है कहां भेजना है वो सब मैं बताऊंगा, वो सब आपको बताऊंगा। आपको बेसिकली मेरे चैनल के हर एक सोशल मीडिया को फॉलो कर लेना है। सीयूटी पाठशाला एक इंस्टाग्राम है, एक टेलीग्राम है, एक ट्विटर है, उसको फॉलो करो, एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपना नेम कोर्स लिख के नंबर भी सेव करा सकते हो जिससे कि आप कोई मैसेज करो तो आपको रिप्लाई मिल सके। जनरली इसमें पब्लिकली बहुत मैसेज आ रहे हैं तो कुछ कॉल्स और मैसेज मिस हो जा रहे हैं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है क्योंकि हम टाइम टू टाइम ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल एनालाइज पूरे अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं जितनी जल्दी हो सक रहा है। सो आपके सब्सक्राइब चैनल भी एक चैनल होना चाहिए, वो है सीयूटी पाठशाला, ठीक है। आपको कोई बात समझ में आ गई होगी, मैं अभी थोड़े ही दिनों में आपको बताऊंगा कि आपका राउंड वाइज जो कट ऑफ है वो कब तक रिलीज होने वाला है। मैं आपको यही बताऊंगा कि कितने बच्चों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया एक पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए और मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, हर हर महादेव।